So hello everyone, welcome back to my channel Skelex In the last uh, few videos, we have discussed about the early theories of motivation, that was Maslow theory, ERG theory, and Herzberg two-factor theory. So in this particular video, we'll be talking about the contemporary theories, and one of the theories which like like one of the most popular theories were McClelland's three need theory. So let us begin with the with the lecture. Mecklenburg Three Needs Theory is again a theory which is based on needs. So, again, it's a theory based on needs. Uh, Maslow was also based on needs. So, let us see how it was different from Maslow. We have Maslow different. So, basically, Mecklenburg said that there are three types of need which creates motivation. There are three types of needs which create. So, one is need for achievement, and we'll take up uh, every need in detail. Then, again, is need for power.

एंड नैक्स्ट इज़ दे लाइक जॉब्स वेयर देर इज़ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो किस तरह के जॉब्स जाना चाहते हैं जहाँ पर उनको अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले रिस्पांसिबिलिटी मीज दे आर अकाउंटेबल फॉर द जॉब्स दे आर टेकिंग डिजनस दे लाइक फ़ीडबैक फॉर दे जॉब आल्सो दे लाइक कि उनको उनके काम का फीडबैक मिलता रहे कि वो कैसा काम कर रहे हैं एक्जैक्टली प्रेज चाहते हैं दे वॉन्ट प्रेज उनको कहीं ना कहीं उनके काम के लिए उनको प्रेज मिले वो उनको काफ़ी पसंद है और मॉडर रिस्क टेकर होते हैं देक लाइक दे डोंट हैव द हाई रिस्क टेकर पीपल

जो दे ऑलवेज़ हैव द डिज़ायर टू कंट्रोल वो किसी ना किसी तरीके से uh, लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं उनको इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं उनके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं दे वांट कि उनके हिसाब से डिसीजंस लिए जाएं या उनके हिसाब से चॉइसेस बनाई जाए तो बेसिकली दैट काइंड ऑफ पावर दे वांट टू होल्ड नेक्स्ट इज दे आर ऑलवेज कंसर्न अबाउट देर स्टेटस एंड देर प्रस्टीज तो वो अपने स्टेटस और अपने प्रस्टीज को भी लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं एंड दैट्स वाई रियली ड्रिवन बाई बाई दावर एंड नेक्स्ट वी हैव इज नीड फॉर एफिलिएशन द पीपल हु आर लाइक बिलोंग टू ग्रुप अगर मैं एक सिंपल सिंपल सी बात करूँ यू ऑलवेज फाइंड सर्टन पीपल हु आर लाइक ईजी टू गो एंड दे लाइक दे वॉन्ट टू बी लाइक दे वॉन्ट की लोग उन्हें पसंद करें एंड दे वो ऑफन गेट अलॉन्ग विद अदर्स वो दूसरों के साथ बड़े ही कम्फर्टेबल हो जाते हैं ऐसे कई सारे हमारे फ्रेंड्स भी हैं जिनके साथ हम काफ़ी कम्फर्टेबल हो जाते हैं एंड दे एंड देन दे डू वॉट वॉट एवर द रेस्ट ऑफ द ग्रुप इज डूइंग वो कोई भी ग्रुप के लोग जो बाकी ग्रुप के मेम्बर लोग कर रहे होते हैं वो भी वही करने लग जाते हैं तो दे डोंट हैव लाइक देर ओन पर्सनल ओपिनियन और दे आर नॉट वेरी रिजिड बहुत ज़्यादा रिजिडिटी नहीं होती है इनकी थॉट्स में एंड दैट्स वाई दे आर गुड टू गेट अलॉन्ग विथ इसीलिए उनके साथ चलना या उनके साथ रहना बड़ा आसान है एंड दे लाइक कोलाबरेशन ओवर कॉम्पिटिशन यहाँ पर डिफरेंस आ गया

नेक्स्ट वॉज द मोटिवेटर्स आर नॉट इनहेरेंट एंड डेवलप थ्रू देयर मतलब बेसिकली आप ये देखें कि दीज मोटिवेशन जो ये नीड फॉर पावर नीड फॉर अचीवमेंट ये ऐसा नहीं है कि लोग पैदा होते ही मतलब राइट फ्रॉम देयर बॉर्न स्टेज दे हैव दीज नीड्स नो वो फिजियोलॉजिकल थे जो कि मैस्लो uh, के थे जो कि राइट फ्रॉम द बॉर्न डेज होते हैं हमारे पास दीज आर लाइक डेवलप थ्रू कल्चर हम जिस तरह के कल्चर में रह रहे हैं जिस तरह के हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस रहे हैं उस हिसाब से हमारे ये नीड्स जनरेट होते हैं वट काइंड ऑफ पीपल वी आर वट काइंडफ़ फैमिली डू वी बिलोंग फ्राम वट काइंड्रेंड्स वी हैव हाउ वी वर एट एट आवर स्कूल स्टेज तो इस तरह से जिस तरह के हम इन्वायरमेंट से निकल कर आते हैं उस तरह के हमारे नीड्स जनरेट हो जाते हैं तो याद रखना ये जो तीनों नीड्स हैं ऑल दीज थ्री नीड्स दे आर ड्रिवन बाई कल्चर कल्चर एंड एनवायरमेंट एंड लास्ट इज अचीवर्स लाइक्स टू सॉल्व प्रॉब्लम एंड अचीव देअर कोल ऑलरेडी टोल्ड यू दैट ये आर लाइक हाईली कॉम्पिटिटिव Next we have is the people who have affiliation they want do, don't want to take reserve and they value relationship they value relationship anything else and last is the people who are power motivated they are like control others they want to control others so these are like the key points of this particular theory um,

कर सकते हैं एंड थाउजेंड इज ऑलमोस्ट इम्पोसिबल मतलब काफी मुश्किल है इसको करना इस तरह के स्केल से यह बढ़ रहा है तो आप मुझे बताना कि आ, आप कौन सेव ओनली वन रिंग में? And you have only one ring. याद रखना you have only one ring to throw. आप सिर्फ एक रिंग को थ्रो कर सकते हैं सो so, आप कौन से पॉइंट पे थिंक रिंग करना चाहेंगे एंड फॉर वॉट अमाउंट टू पोस्टेड इन दमेंट सेक्शन That is interesting, I and mean, then I will let you know what kind of need you are driven with. You are driven by the achievement, or you are driven by affiliation, or you are driven by power. So, thank you so much. Uh, thanks for watching. Do subscribe and like my channel. Keep supporting.